देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। देखते हैं अभी परिजन ने इनका रनआउट की हत्या करवा दिया जबकि चार महीने पहले शादी हुई थी। पूरा घटना क्या है किस में देखते हैं? ये रामबाग में एक युवती है जिसकी संदिग्ध हालत में अपने घर में ही अपने कमरे में उसका शव मिला। तो शव का क्योंकि शादी को इनकी 3 महीने ही अभी हुए थे तो तहसीलदार द्वारा पंचायतनामा भर के जो मृतका का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो जो मृतका है उसके पिताजी द्वारा तहरीर दे दी गई है और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा शीघ्र पंजीकृत किया जाए। फिलहाल तहरीर में कितने लोगों का नाम है या कितने लोग अभी तक अरेस्ट किया आप लोगों ने? अभी तो तहरीर प्राप्त हुई है, इसमें 4 लोग नामजद किए। उत्तराखंड के दिनेशपुर में दहेज मामले में हुई एक महिला की मृत्यु। कहीं ना कहीं घटना रही, कई बहुत को मार दिया, कई लड़की को मार दिया, कोई बच्चे अभी जैसे अभी एक घटना हुआ इस रूप में देखते हैं बात का क्या है। आज भी हम लोग रूढ़ीवादी तब टिके हुए हैं, जो पुराने रीति रिवाज है उसी में चल रहे हैं। आज जमाना चांद पे निवास करने जा रहा है मगर हम लोग आज भी दहेज के कारण घर में बहू जब नई बहू आती है उसको रोज प्रताड़ित किए जाते हैं, जिस कारण एक लड़की एक घर से दूसरे घर में जब आती है तो वो घर को समझ नहीं पाती, उससे पहले उसको प्रताड़ित इतना किया जाता है कि वो बाद में मरने के लिए मोहताज हो जाती है कि किस तरह से मैं मर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। ऐसा जब तक इस देश से ये कानून खत्म नहीं होगा कि ऐसे महिलाएं ऐसे जो पुराने लोग जो उसको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के कारण, जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक यहाँ पर न्याय किसी को नहीं मिल सकता है। और हम तभी न्याय दे पाएंगे जब हमारे देश से दहेज का पूरा उठ जाएगा, यहाँ से कोई रीति रिवाज नहीं रहेगा, सिर्फ लड़की वाले लड़की देंगे, लड़के वाले लड़के ले आएंगे, लड़की शादी करेंगे, तब जाके हमारे महिलाओं को हमारे नारियों को हमारे मातृत्व को इसमें सम्मान मिल सकता है। ये जो बच्चे की शादी हुई कोई कमी नहीं है, घर भरपूर संसार है, लेकिन अचानक मौत का क्या करना, क्या मांगना? इसमें साफ सी बात है, अभी एक हफ्ता पहले जो है लड़के ने लड़ झगड़ के लड़की को घर छोड़ाया था और उसे पूरा साफ आना है। उस टाइम भी ये कहा गया था कि हमें जो है दहेज नहीं दिया गया, शादी के समय हमें मोटरसाइकिल और हमें गाड़ी की दहेज मांग किया गया था। हम लोगों ने कहा भाई हमारे सामर्थ्य से हमने दिया, हमने गाड़ी हमारे शुरू से हमने मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, मगर लड़का लड़की को बार बार प्रताड़ित किया जाता कि तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, जिस कारण लड़की ने बार बार सुनते कारण कल इसी बात को लेकर इनकी रात में कोई बातचीत हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा और इस लड़के ने गला दबा के उस लड़की का हत्या कर दिया है। हम पूरे परिवार पर आरोप लगाते हैं कि इनके पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाए और इसकी जाँच की जाए, जाँच करके इनको जेल के सलाखों में भेजा जाए। बस ठीक, क्या है किस प्रकार का व्यवहार ये लोग करते थे? अरे ये जो आता है ना मौत के खबर को सुनना, क्या पूरा घटना क्या बताइए जरा। ये 2 अक्टूबर को शादी हुआ, दो मार्च को शादी हुआ लड़की की, ठीक है। उन्होंने आके हमारा घर में 2-3 बार करके आगे आया जाया कर हमारे लड़की जो ऐसे कह रहे थे, अगर देखो एक लड़की मैंने शादी दे दी, अब नहीं करता हूँ मैं, मेरा हालत थोड़ा सा डाउन है, तो इसी बात के लिए हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया वो किया, उन्होंने ज़बरदस्ती करने लगा। फिर उसका बाद जाके हमें रामबाग में ले गया, रामबाग में जाकर दिखाया, लड़कों को दिखाया, फिर इसका बाद बातचीत हुआ हमसे। फिर उसके बाद हम लोग हमें कुछ नहीं दे पाएंगे, दहेज को भी हम लोग कर रहे थे। मेरा नाना हम कह रहा था दहेज ही मैं दहेज नहीं देता हूँ, कहने लगा कुछ तो देना पड़ेगा लड़का, लड़की बड़ी लड़की को शादी दिया हमने कुछ नहीं दिया, हमें इसका दे नहीं पाऊंगा इसी हालत में, हमने इनसे बात किया, ऐसा बात हुआ हमसे, कह रहे नहीं कुछ तो करो। फिर उसका बहुत रिक्वेस्ट किया लड़की को, तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। आपका क्या आरोप है शुमान, थाने में क्या रिपोर्ट दिया? थाने में यही रिपोर्ट है, जो जैसा हो लड़की के साथ हुआ है उसी हिसाब से कायदा कानून होना चाहिए, उसी हिसाब से जैसा हम पूछा लड़की किस तरह के मरा, क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से हम सबको ये सब चाहिए, हमें उसी से हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। लड़की के साथ मारपीट करते थे, लड़की के साथ मारपीट कब से कभी हुई है बीच में? ना, लड़की के साथ मारपीट हुआ था 1 हफ्ता पहले, लड़की हमारे घर आई थी, वो कुछ कहने लगा कि हम भी तुम्हारा कामक जो है ऐसा ऐसा करने लगा, मेरे से बात नहीं करता है, और मेरे से उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या हुआ, चलो हम जाएंगे जाके तुमसे छोड़ के आएंगे। फिर उसके बाद सुनाने लगा सब कुछ, दहेज के बारे में सब कुछ सुनाने लगा, ये है फलाना हमें ये जो ये चाहिए वो चाहिए। उसका लड़की का सब कोई ऑफर था पहले, वो बात जो हमें बताया नहीं उन्होंने, हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है? चलो हो गया।